गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी आरती। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज हो गई है मॉर्निंग के अभी 8:30 हो चुके, ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो बस हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ही स्टार्टिंग कर लेती हूँ ब्लॉग का। तो चलो चलते हैं जल्दी से, क्योंकि अभी लेट हो रहा है, अनुज का ऑफिस भी है। एंड गाइज, मैंने सोचा जाने से पहले क्यों ना मैं आपको बुआ का गार्डन दिखा दूँ, जो कि कोकन अंकल ने इतना सुंदर बना के रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। जो जेट प्लांट होते हैं ना, उसके बहुत बहुत ही प्यारे प्यारे ओ मोर इस टाइप से बहुत सारे डेकोरेशन करके रखा है। और मैं आपको आज ड्रैगन फ्रूट भी दिखाऊंगी, जो कि बुआ लेके आती है, तो हम लोग यहीं से खाते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको, तो देख सकते हैं जो आपको काटे काटे लंबे वाला पेड़ दिख रहा है ना, इसमें ड्रैगन फ्रूट भी लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं बट ये, और देख सकते हैं 6 या 7 लगे हुए हैं। तो इनको ना बंदरों से बहुत ज़्यादा बचाना होता है, क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, फल, फूल वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा जाने से पहले जल्दी से शूट कर लेते हैं। और हमें ना बहुत लेट हो रहा था, क्योंकि अनुज का ऑफिस था, हमें 10 बजे पहुंचना था। तो आज खाया था हमने मूली के पराठे और हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए, कुछ सामान भूल गए वहाँ पर, बट कोई बात नहीं, बुआ आ जाएंगी दिवाली में, तो उस बात का कोई टेंशन नहीं है। और हम निकल गए, कोको भी निकल गए, कोको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए अभी वापस। और गाँव का देख सकते हैं, गाँव की मॉर्निंग कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है, एकदम शांति और एकदम ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। तो यार ब्रेकफास्ट में मेरी आज चाय छूट गई थी, तो मैंने बोला कि मुझे चाय पीनी है कुल्लड़ वाली। तो बस हम लोग पहुँच गए घर, जस्ट अभी पहुँचे, और सामान वगैरह सारा निकाल लिया। जो मूर्ति लेके आए थे हम लोग भगवान जी की, कल ही खरीद ली थी हम लोगों ने, तो वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। और थोड़ा बहुत सामान रह गया है खरीदने का, तो आज खरीदेंगे, क्योंकि आज है धनतेरस। आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस गाइस। अभी आप लोग शॉपिंग करने जाएंगे, और क्या क्या खरीद रहे हो आप इस धनतेरस में? हाँ, यहाँ पे तो वही बर्तन, चांदी, सोना, ये सब खरीदते हैं। तो आपके यहाँ पे क्या क्या खरीदा जाता है? और झाड़ू, नमक, ये सब खरीदा जाता है ना धनतेरस में। तो बस हम लोग भी थोड़ा बहुत जो सामान रह गया वो खरीदने जाएंगे आज मार्केट। एंड उससे पहले नहाना है, पहले नहाऊंगी मैं, उसके बाद फिर बाकी के काम करने, भी झाड़ू पोछा, साफ सफाई सब घर की होनी है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। तो चलो गाइस, अभी मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर बाद। मैंने ले लिया शार और मैं आ गई नीचे। तो आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है धनतेरस है, तो अभी शॉपिंग के लिए जाएंगे, उससे पहले पेट फुल करके जाएंगे। तो खाना बन चुका है, लंच में है दाल चावल चटनी सैलेड, तो चलो खाते हैं गर्मा गर्म खाना, भूख भी लग गई। और हमारे घर पे देखो लाइटिंग भी लग गई है, और ये अंदर तो अंदर का है, अंदर कम लगाया हमने, बाहर बहुत सारी लाइटिंग लगाई है, तो अब आपको वो भी दिखाऊँगी। एंड मैंने कल शॉपिंग की थी भंडा से, बुआ के शहर से, तो वो भी मैं दिखाऊँगी मैंने क्या क्या खरीदा है। तो चलो पहले लंच कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइज़, ये था आज का हमारा लंच, सिंपल दाल चावल, अरहर की दाल थी और चावल अचार मिर्च वाला, साथ में सैलेड और चटनी थी। ये चटनी हम लोग पिसवा के लेके आए थे सिलबट्टे वाली बुआ के घर से, तो बड़ी टेस्टी चटनी लगती मुझे ये। तो बस ये बहुत ही सिंपल खाना आज हमने खाया। और ये थी जो हमने कल शॉपिंग करी थी, मैंने दिखाई नहीं थी। तो सबसे पहले दिया खरीदे, लक्ष्मी माता के ये पैर खरीदे, तो ये चिपकाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। और हमने 2 मूर्ति खरीदी एक्चुअली, और ये थोड़ी सी टूट भी गई थी, बट इसे तो मैं अब नहीं रखूँगी, तो नई वाली मूर्ति रखूँगी। एंड गाइज, ये मैंने डोर के लिए ख़रीदा तोरण, जो कि ये आम के पत्तों वाली लीव थी इसमें। और ये माला खरीदी, जो कि हमारे पितृजन हैं उनको मैं माला चढ़ाऊंगी नई। और ये मूर्ति थी लक्ष्मी माता की, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, छोटी छोटी, और इसमें ना पूरे कपड़े और माला लगी हुई थी। और ये मैंने चौकी खरीदी, जिसमें कि मैं इनको भगवान जी को स्थापित करूँगी, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे चौकी और भगवान जी इसमें बैठे हुए। तो इस बार मैंने थोड़ा सा नया लुक दिया भगवान जी को एक अच्छा सा। और क्या, बस इतनी ही शॉपिंग करी थी, और फिलहाल हम बाद में खरीदेंगे। तो हमारे घर पे ये लाइटिंग भी लगना स्टार्ट हो गई है, आधी हम उस दिन लगा के गए थे, अगर आपने व्लॉग देखा होगा, जिस दिन बुआ के घर जा रहे थे, और आधी फिर आज हमने आते ही उनको कॉल कर दिया था, तो सारी लाइटिंग लग गई थी। और पता है मौसम आज इतना ज़्यादा ठंडा हो गया ना, मतलब बारिश वाला, तो देख सकते हैं। हमने सोचा मार्केट चलते हैं, और बूंदाबांदी गिरने लगी थी, तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया, तो अभी बाद में जाएंगे। हम लोग जा रहे थे अभी शॉपिंग के लिए धनतेरस वाली, जो कि खील बतासे ये सब लेने के लिए, तो अभी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही बारिश, पर स्टार्ट हो गई बारिश होना, और आज के दिन ही मौसम ख़राब होना था, सभी लोगों ने लाइट वगैरह सब लगा दी, और पता नहीं क्या ही होगा। तो देखते हैं, लेट्स सी, अभी थोड़ी देर में जाएंगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगी बारिश, तो हम लोग निकलेंगे, वरना पूरा भीग जाएगा, और खील बतासे भी पूरे गीले हो जाएंगे। तो बस वेट कर रहे हैं यार कि बारिश कब कम होगी और कब हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए। वैसे रात को यहाँ पे बहुत मेला टाइप लगता है, बहुत भीड़ होती है, बट बहुत रश रहता है, तो हम सोचे अभी खरीदे आते हैं सामान। और रात को तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, मतलब इतना ज़्यादा रश हो जाता है, तो रात को तो मैं नहीं जाऊँगी। और अभी हमने सोचा चलते हैं, बट बारिश की वजह से अभी थोड़ा डिले हो गया हमारा प्लान, तो लेट्स सी अभी कब जाते हैं हम लोग। सो गाइस, चलो देते रहूँगी आपको मैं अपडेट।
एंड गाइज आप देख सकते हैं हमारा प्लान फिर से कैंसिल हो गया, मतलब यार 6 या 7 बजे तक बारिश होती रही और देख सकते हैं बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मतलब सब लोगों का प्लान ख़राब हो गया क्योंकि मार्केट जाना होता है, सब लोग शॉपिंग करते हैं बहुत खुशी से, बट बारिश होगी तो बस हम वेट ही कर सकते हैं जब बारिश रुकना बंद हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे, क्योंकि बारिश में जा भी नहीं सकते, तबीयत भी ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं वेदर आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया हमारे यहाँ पर, और आपके यहाँ बारिश हुई कि नहीं बताना ज़रूर। तो फिर उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा वेट किया, फिर नाइट में हम लोग 7 बजे के करीब निकले मार्केट, जो कि मौसम काफ़ी सही हो गया था और हालांकि रोड बहुत कीचड़ ऐसा वाला हो गया था और रश भी कम हो गया था, वरना बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है गाइज़, मतलब स्कूटी वगैरह तो जाने ही नहीं देते हैं, पैदल सब लोग जाते हैं शॉपिंग करते हैं, तो ये ज़्यादा था। अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी दिख रही है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो पापा और मैं गए और जो सामान छूट गया था, मतलब खिल बता से तो झाड़ू वगैरह सब अनुज लेके आ गए थे, तो हमने सोचा कैलेंडर लेके आते हैं और कुछ बर्तन खरीद लेंगे, तो पापा और मैं गए थे। और देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा भीड़ होना स्टार्ट हो गई है, तो हमने बर्तन वाले शॉप में गए, बट जो मुझे ख़रीदना था, मैं बहुत थाल देख रही थी बट मुझे पसंद ही नहीं आई, मुझे राउंड शेप में चाहिए थी, लंबी वाली मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने नहीं ख़रीदी। और फिर हमने कुछ ऐसे ख़रीद लिया था बस सगन के लिए, नमक वगैरह ये सारी चीज़ें। तो घर पर आई तो घर पर ये बना हुआ था, रोटी तो नहीं बनी थी अभी, बस ये बना हुआ था। एंड उसके बाद मैंने पूजा का कुछ सामान ख़रीदा, जिसमें कि धूप और ये दिया, कैलेंडर, और मुझे ये लुभान जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये मैंने खरीदा। तो गाइस हम लोग आ गए मार्केट से और खाना डिनर बन चुका है, तो भी खाया नहीं है, और डिनर में आज काले चने बने हुए, तो ज़्यादा कुछ सामान तो खरीदा नहीं। और मौसम ने आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था हमारे यहाँ पे, मतलब इतनी ज़्यादा बारिश आ गई थी, बट ये था कि इवनिंग के टाइम पे सही हो गया था वेदर, तो हमने सोचा चलो घूम के आते हैं और देखते हैं क्या क्या सामान आया। तो थोड़ा बहुत पूजे का सामान लेके आए, कैलेंडर वगैरह लेके आए, धूप बत्ती, ये सब सामान लेके आए, और बस यही था आज का हमारा धनतेरस का शॉपिंग। आई गाइस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना ब्लॉग एंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।